दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट रिचार्ज ऐप की वीडियो लेकर आया हूँ। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको कमीशन काफ़ी अच्छा मिलता है, इंटरफेस बिल्कुल न्यू है बाकी कंपैरिजन में दूसरी ऐप से। इसके अलावा इस ऐप के अंदर आपको ऐड मनी की कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल एक रुपए से भी आप पैसा ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिटेलर रिचार्ज ऐप होने वाली है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की ज्वाइनिंग नहीं होगी और रिटेलर आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपकी आईडी काफ़ी सिक्योर होगी, यहाँ पर आपके पास आईडी का पासवर्ड तो होगा ही होगा, इसके अलावा वहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन भी होगा। तो मीन्स अगर आप रिचार्ज करेंगे तो ट्रांजेक्शन पिन लगाकर ही रिचार्ज होगा। तो ये कौन सी है, कैसे काम करेगी, रिचार्ज कैसे करते हैं, ऐड मनी कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, पिन कैसे जनरेट करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इससे पहले दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे है गुजारिश कि अगर आप किसी भी रिचार्ज ऐप के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक बार खुद की तरफ से रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही किसी रिचार्ज ऐप के अंदर अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में जिस रिचार्ज ऐप के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, उस रिचार्ज ऐप का नाम है MX रिचार्ज। इस रिचार्ज की मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन न्यू वीडियो बनाने का कारण यह है कि इस ऐप के अंदर कुछ अपडेट्स आए हैं और कमीशन को भी अपडेट किया गया है और ये कम्प्लीटली रिटेलर ऐप है। सिंपली आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और आप इसको ओपन करेंगे, उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, आप वो लगाकर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पहली बार साइनअप कर रहे हैं तो न्यू यूज़र क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी फर्म का नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाने के बाद आपके व्हाट्सएप पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, आप वो लगाकर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा उसके साथ आपको एक पिन भी मिलेगा, आपको पासवर्ड और पिन दोनों बदलने हैं, उसके बाद ही आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगाया, यहाँ पर करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड का कंफर्मेशन मांग रहा है। तो मैं जो करंट पासवर्ड मुझे व्हाट्सएप पर बाय डिफॉल्ट मिला है मैं वो लगाऊंगा और न्यू पासवर्ड मैं अपनी इच्छा के अनुसार जो लगाना चाहता हूँ वो लगाऊंगा। पासवर्ड रीसेट होने के बाद ये ट्रांजेक्शन चेंज करने के लिए आएगा, आपको वो ट्रांजेक्शन पिन भी चेंज कर लेना है जो आपको बाय डिफॉल्ट मिला है व्हाट्सएप। मैंने वो इन्फॉर्मेशन कर दी है और मैं सिंपली सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सारा पासवर्ड और नंबर बदलने के बाद आपका कंप्लीट इंटरफेस शो हो गया है, अब आपकी आईडी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गई है। दोस्तों ये पासवर्ड और पिन बाय डिफॉल्ट को चेंज करने का एक ऑप्शन सिक्योरिटी फीचर्स है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी ऐप के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये वर्क कैसे करती है। तो लेकिन वर्क कैसे करती है उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस ऐप का इंटरफेस किस तरह का है। ऊपर व्हाट्सएप का साइन और नोटिफिकेशन का साइन दिया हुआ है, यहाँ पर मेन वॉलेट का बैलेंस दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर सारी सर्विसेज बताई गई हैं। यहाँ पर आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल, बुक के गैस सिलेंडर, गैस पैक बिल, केबल ऑपरेटर फीस, फास्टैग बिल, इंश्योरेंस, वाटर, फाइनेंस, गिफ्ट कार्ड फीचर्स का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फंड ट्रांसफर के ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आप यूपीआई से ऐड मनी कर सकते हैं, फंड रिक्वेस्ट दे सकते हैं, फंड रिक्वेस्ट के हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बाद नीचे कंप्लेंट का सेक्शन है, यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट को राइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मोर के ऑप्शंस पर जाकर आप अपना ट्रांजेक्शन पिन और पासवर्ड भी बदल सकते हैं। ये ऐप का कंप्लीट इंटरफेस था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस ऐप के अंदर हम वर्क कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैं चीज़ दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर पहले ऐड मनी करना है। ऐड मनी की कोई लिमिट नहीं है, आप एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये, पचास रुपये, कितना भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड मनी में आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए उसके लिए भी इस ऐप के अंदर एक फीचर है। वो ये है कि इसके अंदर आप पहले एक रुपये, दो रुपये या पाँच रुपये जितना भी आप ऐड करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आपको कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा, मीन्स इसके व्हाट्सएप पर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप कितना भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल प्रोसेस रहेगा। लेकिन पहली बार पैसा ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड बैलेंस करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट कंपनी को शेयर करना पड़ेगा। सिंपली मैं आपको ऐड मनी करके दिखा देता हूँ। नीचे फंड रिक्वेस्ट में ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं भरूँगा एक रुपया, यहाँ पर मैं अपना नाम भर दूंगा और ऐड मनी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे सामने यूपीआई के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मैं कोई भी एक यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट कर दूंगा, जैसे मैंने पेटीएम सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं पेड सक्सेसफुली ₹1 फॉर योर ऑर्डर और यहाँ पर अपडेट का मैसेज आने लग गया है, वी हैव रिसीव्ड योर फंड रिक्वेस्ट, वी विल प्रोसेस इट शॉर्टली। यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है मीन्स इसका ये है कि आपको यहाँ पर कस्टमर केयर को इनको व्हाट्सएप पर मैनुअली उसका स्क्रीनशॉट देना है। तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं अपना पेटीएम खोलूंगा और वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। यहाँ पर शेयर पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे कंपनी को इसका प्रूफ सेंड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अब ₹1 मेरे वॉलेट के अंदर बैलेंस ऐड हो गया है।
अब मैं चाहूँ तो कितना भी अमाउंट इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। सिंपली मैं ऐड फंड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैंने 10 रुपीज अमाउंट भरा, 9 भरा, ऐड मनी पे क्लिक किया, पेटीएम पे क्लिक किया, पे 10 रुपीज पे क्लिक किया, अपना यूपीआई पिन भरा, ओके पे क्लिक किया। इसके कुछ ही सेकंड में पैसा ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट के अंदर 11 रुपीज़ का बैलेंस आ गया है। इसी तरह दोस्तों आप अपना बैलेंस ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि ये ऐप रिचार्ज के अंदर किस तरह से वर्क। सिंपली आपको मोबाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी एक ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप रिचार्ज करना चाहते हैं, जैसे मैं जियो पे रिचार्ज करना चाहता हूँ। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर, ऑपरेटर, अमाउंट भर के और आपने जो ट्रांजेक्शन पिन बनाया था वो ट्रांजेक्शन पिन बना के मेक रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर भरा, अमाउंट भरी, रिचार्ज पे क्लिक की या कंटिन्यू पे क्लिक किया, इसकी कुछ सेकंड में रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ गया है। और आप अगर आप अगला रिचार्ज करना चाहते हो तो मेक अदर रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आप डीटीएच रिचार्ज करना चाहते हैं तो डीटीएच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई भी एक ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप रिचार्ज करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी सब्सक्रिप्शन आईडी नंबर भरेंगे, ऑपरेटर भरेंगे, अमाउंट भरेंगे, ट्रांजेक्शन पिन भरेंगे और यहाँ पर मेक रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरह इस ऐप की आप बाकी सारी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इस ऐप के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली ऊपर व्हाट्सएप का साइन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिमार्क भरेंगे, रिचार्ज आईडी भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेंट भी ले ली जाएगी। इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस नाम के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर कंपनी की मेल आईडी और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट करके आपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं। ये तो थी इस रिचार्ज ऐप की सारी इन्फॉर्मेशन। अब बात करें कि इस रिचार्ज ऐप के अंदर हमें कमीशन कितना मिलता है, तो आप सिंपली जाएंगे मोर के अंदर, यहाँ पर माई मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल के अंदर आपको 2.8% मिलता है, बीएसएनएल के अंदर आपको 5% मिलता है, जियो के अंदर 2.8% मिलता है और वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको 3.8% का कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर बात करें डीटीएच ऑपरेटर्स की तो ऑल डीटीएच ऑपरेटर पर आपको 3.8% का कमीशन मिल जाता है। पोस्टपेड कनेक्शंस की बात करें तो आपको 0.2% का कमीशन मिलता है और अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 0.2% का कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों इस रिचार्ज ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिचार्ज ऐप से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कस्टमर केयर का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी नज़र में कोई इससे अच्छी रिचार्ज ऐप है जो इससे अच्छा कमीशन देती है और इससे फास्ट इंटरफेस है तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।